Meaning of working capital we have seen. It is short-term capital. It is the capital required for day-to-day business activities. Definition we have covered. Working capital means the investment in the current asset, like cash balance, bank balance, inventory of raw material, inventory of finished good, debtors. Concept of working capital cover ki hai. Gross working capital, that means total investment in current asset. Net working capital, that means total investment in current asset. From that you minus current liabilities, you will get a net working capital. Net working capital may be positive or negative. If CA is greater than CN, it is positive. Reverse case mein negative hoga. Permanent working capital humne dekha. Some amount remains invested in cash, bank balance, inventory, debtors. That is a permanent working capital. Variable working capital, depending upon the season and depending upon the special requirement, requirement of working capital will vary, will change. Kuch season hogi to jyada chahiye hame amount. ज्यादा हमारा रुपया इन्वेंटरी में रुका रहेगा, डेटर्स में रुका रहेगा, तो वो वेरिएबल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है. कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमने देखे करंट असेट और करंट लायबिलिटीज, जिसमें वन बाय वन मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए तो वो क्या है. नाउ वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द फैक्टर्स विच डिसाइड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस. किस तरीके का आप बिजनेस कर रहे हो. तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ बिजनेस. देखो बिजनेस अलग अलग तरह के होते हैं. एक तो ट्रेडिंग बिजनेस होता है जिसमें रेडीमेड गुड्स परचेस किया और सेल किया, बाइंग एंड सेलिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी. एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है जिसमें गुड्स मैन्युफैक्चर भी होता है और बाद में उसको सेल किया जाता है. एक सर्विस एंटरप्राइज होता है जो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करते बट ओनली प्रोवाइड द सर्विस. जैसे दे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, टेलीफोन कंपनीज, तो दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस. तो डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल चेंज. सभी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इक्वल नहीं होगा. जैसे कि एग्जांपल दिया है पब्लिक यूटिलिटीज, जैसे कि रेलवे सर्विस दे रहा है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, वेरी लिमिटेड नीड फॉर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि उनको इन्वेंटरी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा. बिकॉज दे गेट इमीडिएट पेमेंट फॉर देयर सर्विस एंड डू नॉट हैव टू मेंटेन बिग इन्वेंटरीज. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को एवरी मंथ या एट द एंड ऑफ एवरी टू मंथ दे इश्यू बिल एंड विद इन 15 डेज दे रिकवर द मनी. रेलवे में आपको बताया, ट्रांसपोर्ट में आपको बताया, लोग टिकट पहले खरीदेंगे बाद में उनको वो सर्विस मिलेगा, तो वहां पे कैश आ जाता है तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ती है. बट इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड द फाइनेंशियल एंटरप्राइज हैव टू इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट इन द वर्किंग कैपिटल बिकॉज दे हैव टू मेंटेन इनफ कैश, इनफ इन्वेंटरीज एंड डेटर्स. तो आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको फिनिश गुड का स्टॉक आपके पास रहेगा, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे. मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है आपका तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, वर्कर्स को पेमेंट के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, आपका माल उधार भी सेल करोगे और डेटर्स में आपका अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो. तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल वेराई. फिर आपको बताया साइज ऑफ बिजनेस. साइज मतलब छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, स्मॉल साइज में या लार्ज साइज में बिजनेस है. तो एज पर द साइज ऑफ द बिजनेस द अमाउंट रिक्वायर्ड विल चेंज. तो लार्जर द साइज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज ग्रेटर वुड बी द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल. आपका बिजनेस स्प्रेड हुआ है पूरे इंडिया में या तो पूरे गुजरात में या तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कंट्रीज में आपका बिजनेस एक्सपांड है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि वर्कर्स ज्यादा हो गए, डिमांड ज्यादा होगी. स्मॉल बिजनेस है, एक लिमिटेड एरिया में आप बिजनेस कर रहे हो तो फिर वहां पे कस्टमर आपके कम हो गए,
आपका आउटपुट कम होगा, आपका सेल्स कम होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उस तरीके से कम होगा। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, जो बिजनेस एंटरप्राइज ग्रो कर रहे हैं मतलब उनकी प्रोग्रेस हो रही है, धीरे धीरे उनका बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, तो जैसे जैसे एक्सपांशन होगा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। सो ग्रोइंग एंटरप्राइज रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन साइकिल की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल में से आपने फिनिश प्रोडक्ट बनाया, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको प्रोडक्शन साइकिल बोलेंगे। अगर ये साइकिल छोटा है तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा। जैसे कि आज मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, 2 दिन में प्रोडक्शन हो गया, तीसरे चौथे दिन माल सेल हो गया, मेरे पास कैश आ गया, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगी। बट अगर मेरा प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है, मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहा हूँ कि जिसमें 1-2 दिन में प्रोडक्ट नहीं बनती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनीज, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट दे रिक्वायर मोर टाइम, मेनी एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड, तो प्रोडक्शन साइकिल थोड़ा लॉन्ग रहेगा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से ज्यादा रहेगी। सो प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम गैप, टाइम स्पान बिटवीन द परचेस ऑफ मटेरियल एंड कन्वर्जन इन टू फिनिश प्रोडक्ट। द लॉन्गर द प्रोडक्शन साइकिल द लार्जर विल बी द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल बिकॉज द फंड विल बी टाइड अप इन द लॉन्गर पीरियड इन वर्क इन प्रोग्रेस। इफ द प्रोडक्शन साइकिल इज स्मॉल द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी लेस। उसी तरीके से बिजनेस फ्लक्चुएशंस, कभी मार्केट अप होता है, मार्केट डाउन होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शेयर मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट ऑफ अवर प्रोडक्ट। मार्केट में कभी डिप्रेशन चलता है, इन्फ्लेशन चलता है, रिसेशन चलता है, तो जिस तरह का मार्केट कंडीशन होगा उस हिसाब से हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी चेंज होगी। सो बिजनेस फ्लक्चुएशंस में बी इन द डायरेक्शन ऑफ बूम मीन्स ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर एट हाई लेवल, हाई डिमांड, हाई सेल्स, हाई प्रोडक्शन, और डिप्रेशन दैट इज टूवर्ड्स रिसेशन, लोअर डिमांड, लोअर सेल्स, लो प्रोडक्शन, ऑल दिस। सो ड्यूरिंग द बूम पीरियड द फर्म विल हैव टू ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी टू मीट द इंक्रीज डिमांड एंड विच लीड्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेंटरीज एंड डेटर्स। सो द नीड इज हाई, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई। बट ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑल दिस बिजनेस एक्टिविटीज आर एट लो लेवल, डिमांड कम होगा, सेल्स कम होगा, तो उस हिसाब से रॉ मटेरियल में आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, फिनिश गुड में आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, सो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कम होगी। तो बिजनेस फ्लक्चुएशंस ऑल्सो अफेक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बाद में आता है प्रोडक्शन पॉलिसी। आप किस तरीके की प्रोडक्शन पॉलिसी करते हो? आपकी प्रोडक्शन की पॉलिसी क्या है? क्या आप एक क्वांटिटी में गुड्स बना देते हो, या तो कस्टमर का ऑर्डर आता है बाद में आप प्रोडक्ट बनाते हो, या तो आपका रेगुलर एवरी मंथ कुछ प्रोडक्शन होता रहता है? आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी क्या है? दैट विल डिसाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर फंड फॉर द वर्किंग कैपिटल। जैसे कि कोई बिजनेसमैन होता है, उनका जो रॉ मटेरियल होता है पूरे साल नहीं मिलता है, तो उनको एक क्वांटिटी में खरीद लेना है जब वो पर्टिकुलर मंथ आता है और उसका मटेरियल मिलता है। से फॉर एग्जाम्पल, आई एम द मैन्युफैक्चर, आई एम हैविंग द फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द सुगर। अब सुगर के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, सुगर केन, तो डेफिनेटली उसका जो मटेरियल है सुगर केन पूरे साल मुझे नहीं मिलेगा। सो ड्यूरिंग विंटर व्हेन द मटेरियल इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज सुगर केन्स आर परचेस, तो ड्यूरिंग विंटर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी हाई। पर कुछ मटेरियल ऐसा है जो पूरे साल मिलता रहता है, तो एज पर द डिमांड वी विल परचेस। सो द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्शन पॉलिसी। द डिमांड फॉर सर्टन प्रोडक्ट इज सीजनल,
जैसे कि एक एग्जांपल ब्रैकेट में दिया है, वुलन गारमेंट्स विंटर में ही डिमांड होगी। सो टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन पॉलिसी में भी अडॉप्टेड, फर्स्टली द गुड्स में भी प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ डिमांड एंड सेकेंडली द गुड में भी प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। इफ द सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज अडॉप्टेड दैट इज थ्रू आउट द ईयर, द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड विल एक्यूमुलेट प्रोग्रेसिवली टिल द सीजन ऑफ डिमांड विच रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वुलन क्लोथ विंटर में ही सेल होगा और आप पूरे साल उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, तो प्रोडक्शन तो हो रहा है पर सेल नहीं होगा पूरे साल, एक पर्टिकुलर मंथ में पर्टिकुलर सीजन में ही सेल होगा, तो वहां पे आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गिवन, क्रेडिट पॉलिसी रिलेटिंग टू सेल्स। बिजनेसमैन हैव पॉलिसी ऑफ कैश सेल्स ओनली, सो इफ यू हैव द पॉलिसी ऑफ कैश सेल्स ओनली यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आप क्रेडिट में माल ही नहीं बेच रहे हो। बट इफ यू हैव द पॉलिसी ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो जब आप क्रेडिट सेल करोगे तो आपका अमाउंट इन्वेस्ट रहेगा, ब्लॉकअप रहेगा डेटर्स में, स्टॉक में कुछ महीनों तक, तो फिर कैश की रिकवरी नहीं होगी, तो वहां वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। कैश सेल से वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। इफ अ फर्म एडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, लिबरल मतलब आओ खरीदो उधार ले जाओ माल बेच के पैसा दो। So if a firm adopts liberal credit policy in respect of sale, the amount tied up in the debtors will also be higher. क्योंकि आप उधार माल बेच रहे हो, क्रेडिट में माल बेच रहे हो, डेटर्स बढ़ेंगे आपके, उतना अमाउंट आपका रुका रहेगा। Obviously, higher book debt means higher debtor means more working capital. क्योंकि ज्यादा उधार में बेचोगे, अच्छा एक डेटर को बुक डेप्ट बोलते हैं, और अगर डेटर पैसा नहीं देता है हमें तो उसे बैड डेप्ट बोलते हैं। दिस इज अ इम्पोर्टेंट वर्ड, बैड डेप्ट आप सबको पता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया तो डिस्कस कर लाओ कि किसी को उधार माल बेचा आपने और वो पेमेंट नहीं करता है, ना बोल देता है, अपने हाथ अद्धर कर देता है, तो वो बैड डेप्ट हुआ, बैड डेप्ट। और जिस बंदे को आपने माल सेल किया है, आपके कस्टमर को आप डेटर बोल सकते हो या तो उसे बुक डेप्ट बोल सकते हो। तो बुक डेप्ट वर्ड याद रखना, बुक डेप्ट। Many time in the interview people they ask what is the difference between book debt and bad debt, so you should know this. On the other hand, if the firm follow tight credit policy, matlab only cash sales, udhar maal nahi bechte hain, so the magnitude, that is the amount of working capital will be less. ये बात हो गई सेल्स की। उसी तरीके से परचेस पॉलिसी, जैसे हम माल सेल करते हैं इसी तरह से हमें रॉ मटेरियल भी परचेस करना पड़ता है, स्पेयर पार्ट्स परचेस करने पड़ते हैं। अब जहां से हम खरीद रहे हैं वो लोग हमें क्रेडिट में बेच रहे हैं, तो हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। बट फ्रॉम द सप्लायर वेयर फ्रॉम वेयर वी आर परचेसिंग, इफ दे आर सेलिंग ओनली ऑन कैश, उनका टाइट पॉलिसी है कि हम कैश सेल्स में ही बेचेंगे, क्रेडिट में नहीं सेल करते, तो हमें ज्यादा कैश चाहिए। तो आपकी परचेस पॉलिसी क्या है? ये परचेस पॉलिसी क्रेडिट पर है या कैश में है? अगर आप कैश में ही परचेस करते हो तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर आप क्रेडिट में परचेस कर पा रहे हो